फैब खाना नहीं खाओगी ना तो ऐसी हो जाओगी। मैंने श्रेया के लिए ये एक और लिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। आज की मॉर्निंग तो शुरू हो चुकी है और ये वीडियो शेयर करने की बहुत खुशी भी है, क्योंकि ये 2020 का लास्ट वीडियो होगा जो आप सभी से मैं शेयर करूंगी, और इसके बाद शेयर करूंगी 2021 का वीडियो। तो बस पूजा से शुरुआत हो रही है इस वीडियो की, और वैसे तो विंटर्स शुरू हो गए हैं और मेरी जो मॉर्निंग है वो 7:30 या 7 बजे से शुरू हो जाती है। कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ उठने में क्योंकि विंटर टाइम है, लेकिन नॉर्मल डेज़ में मैंने देखा कि जब स्कूल्स वगैरह थे, जब कोविड नहीं था, तब 6:30 या 6 बजे से शुरू होती थी, जो कि अब 1 घंटा लेट हो गया है। तो वो सारी चीज़ें तो हो गई, जैसे कि चाय वगैरह और वॉक करना या फिर योगा करना अल्टरनेट में करती हूँ, आपको तो पता ही है। और मॉर्निंग में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी हो गई, यानी कि नहाना वगैरह। और अब कर रही हूँ मैं कपड़ों का काम, यानी कि सबसे पहले मैं बालकनी से लाऊंगी कपड़े, अपने पेड़ पौधों को देखूंगी, क्योंकि सुबह सुबह पेड़ पौधे देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो भी इंतज़ार करते हैं कि मैं कब आऊँगी और उन्हें पानी डालूँगी। मिट्टी ज़रूर चेक करके पानी डालें, अगर मिट्टी गीली है ना बिल्कुल भी पानी ना डालें, तो मतलब ओवर वाटरिंग से पेड़ ख़राब हो जाते हैं। अभी मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ, और यहाँ पूरा बेड आप देख रहे हैं मैस है। तो वैसे तो मैं मॉर्निंग में ही उठ के पूरा बना लेती हूँ, बट आज मुझे शीट चेंज करनी है, आज शीट चेंज करने का डे है, लेकिन अभी नहीं करूँगी। अभी सबसे पहले मैं किचन का काम करूँगी और उसके बाद मैं इस रूम में आऊँगी। तो अभी मैं जो टाइम आपको बता रही हूँ वो है, ये देखिए 10:30 बज रहा है। तो बस अभी नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद ये सारे काम करेंगे। ठंड के कारण थोड़ा सा काम लेट हो जाता है, तो चलिए अभी चलते हैं किचन में और आपको श्रेया से मिलवा देती हूँ। तो श्रेया अभी प्रैक्टिस कर रही है अपनी पियानो की। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोल दो श्रेया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वो प्रैक्टिस कर रही है और मैं जाती हूँ किचन में। तो किचन में है केदार। आज केदार की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट वेल टुडे। आप लोग प्रेयर करिए कि केदार जल्दी से ठीक हो जाए। सो केदार गुड मॉर्निंग बोल दो आप अपने व्यूवर से, जो अपने सारे वेल विशर्स हैं आपके लिए ज़रूर प्रेयर करेंगे। सो अभी एग हम लोग खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट में, और फ्रूट लेंगे। विंटर्स में एग ज़रूर खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, और शायद मैं दिख रही हूँ यहाँ से। सो चलिए एग खाते हैं और फ्रूट खाते हैं नाश्ते में। फेवरेट काम है एग, अंडे छिलना अच्छा लगता है। सो खाते हैं, और ये घड़ी मेरी थोड़ी सी आगे, आई मीन 10 to 17 मिनट्स ऐसा कुछ आगे है ये। और आज मैं बनाऊंगी ड्रम स्टिक्स, ये देखिए मसाले वाली, टमाटर में बहुत टेस्टी लगती है। और केदार को, श्रेया को आलू और ड्रम स्टिक्स, यानी कि ये फली और ड्रम स्टिक्स मसाले में बहुत ही अच्छी लगती है। है ना, हाँ। तो चलिए अब जल्दी से ये काम करते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आप सभी से। वैसे तो फ्रेंड्स आप मेरा शेड्यूल जानते ही हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा प्लानर भी देखा है और मेरी ढेर सारी वीडियोस देखी हैं अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताऊं कि मेरा एक प्लानर है जिसे मैं फॉलो करती हूं, और हर दिन का मेरा ये एक बेसिक शेड्यूल रहता है कि मैं सबसे पहले खाना बना लेती हूं और उसके बाद सारे काम करती हूं। उससे क्या होता है कि एक मेंटल प्रेशर नहीं होता, और आराम से सारी क्लीनिंग, डस्टिंग, जो भी चीज़ें डेकोर की करनी है, जमाना है, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर पाती हूँ। और कटिंग, चॉपिंग या बहुत सारे प्रिपरेशन मैं ना वीकली करके रखती हूँ अपने फ्रिज में भी, और ये जो डीक्लटर वाला काम है वो मैं रात में करके रख लेती हूँ। उससे टेंशन नहीं होती दूसरे दिन बहुत सारे कामों की। तो मसाला मैंने भून लिया है अराउंड 80%,
और इसमें मैं डालूंगी फली और 20% जो है वो फली के साथ जो है भुनेगा। उसके बाद मैं ऐड करूंगी गरम पानी, क्योंकि बहुत सारा पानी डालना पड़ता है, नहीं तो ये ड्राई हो जाता है। बस अब जब तक ये सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं अपने बेडरूम का काम कर लूँगी, यानी कि शीट चेंज करना, और बीच बीच में आके सब्ज़ी को भी चलाती रहूँगी। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। तो मैं अभी बात कर रही थी प्लानर की, अगर आपने नहीं चेक किया तो मेरे चैनल पर जाइए और मेरा प्लानर आप ज़रूर चेक करिएगा, आपको बहुत उससे हेल्प मिलेगी सारे कामों को करने की। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करने लगे हैं, और ये जो मेरा क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो वीडियोस रहते हैं ना, वो मैंने 2 साल पहले मैंने की, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब से मैं ये चीज़ कर रही हूँ। तो ये सभी लोग बहुत पसंद भी करते हैं। तो देखिए रूम बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, सुपर क्लीन। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इस स्पेस को भी मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अभी मैं ऐड करूँगी। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं डेकोर और ऑर्गेनाइजेशन जो मेन है इस वीडियो का, वो पार्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि क्या ऑर्गेनाइजर्स मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनाइज करने के लिए वार्डरोब्स, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैं डेकोर में आज लगाऊंगी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब लिविंग रूम में चलते हैं। सो अब लिविंग रूम आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी क्लटर नहीं है, सिर्फ मुझे डस्टिंग करनी है प्रॉपर तरीके से, और लास्ट में मैं इसमें कुछ डेकोर करूँगी, थोड़ा बहुत चेंजेस करूँगी तो डस्टिंग करना मेरा वैसे तो फेवरेट काम है, घर को साफ़ करना, मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ। और अभी लॉकडाउन टाइम में क्या हुआ है कि लोग बोल ज़रूर रहे हैं कि सबके शेड्यूल चेंज हो गए, पर हम हाउस वाइफ जो हम लोग घर में रहते हैं, मतलब कि हम होम मेकर्स, इन लोगों का शेड्यूल उतना चेंज नहीं हुआ है। अंतर ये हुआ है कि ज़्यादा हो गया है काम, मतलब मेरा तो ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि सब लोग घर में रहते हैं तो बार बार खाने की कुछ डिमांड होती है, या फिर ज़्यादातर टाइम जो है घर में रहने से घर ज़्यादा गंदा होता है, तो अभी काम तो बढ़ ही गया है एक तरीके से देखे तो। तो अगर आप लोगों का भी ऐसे ही कुछ हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अभी मैं बस लिविंग रूम को क्लीन करती हूँ, और उसके बाद मैं जो है अगला काम करूँगी, यानी कि डेकोर। अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा रूम में, और ये हमारा मेडिटेशन रूम, पूजा रूम, म्यूज़िक रूम, सब पूरा सारे काम होते हैं यहाँ पर। तो ऐसा बोलते हैं कि जो भी हमारे घर के ग्लासेस होते हैं या फिर मिरर्स होते हैं, कांच वाली जो चीज़ें होती हैं, वो हमेशा साफ़ होनी चाहिए, वहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वास्तु दोष होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम मेरे कांच मिरर्स सब साफ़ रहें, बिल्कुल क्लीन रहें, सुपर क्लीन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, ये है रॉक सॉल्ट का लैम्प जो मैंने अभी ऑनलाइन लिया है, और वाईफाई लगा है घर में, और आजकल सभी के घर में नेट यूज़ होता है, इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं, तो जो रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है ना अक्सर वो बच्चों को बहुत जल्दी होती है। तो मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं रॉक सॉल्ट वाला एक लैम्प लूँगी जो कि न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कि जो खराब जो रेडिएशन हमारे घर में रहते हैं ना, ये वाईफाई नेट इंटरनेट इन सब की वजह से, इन सबको ख़त्म करता है वो। तो ये जो रॉक सॉल्ट का लैम्प है ये बहुत ही सुंदर मुझे लगा, और ये मैंने लिया है, इसकी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसके अंदर है ना एक बल्ब लगा हुआ है बीचों बीच, और ऊपर से ये देख सकते हैं आप इस तरह से प्योर रॉक सॉल्ट डला है, और इसे ना जब भी आप घर में लगाएं तो उसको हमेशा लगाए रखें, मतलब इसको बंद ना करें, 24 आवर से जलता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ज़्यादा इसकी बिजली की खपत भी नहीं होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी इतना कंजम्पशन नहीं होगा। तो अभी मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, अगर आपके पास इस टाइप का कोई स्टूल नहीं है तो बेस्ट है कि आप इसको ज़मीन पर रख लीजिए, ज़मीन पर रखना ये बेस्ट होता है। तो बस अब इसको जला लेते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि बहुत रेडिएशन हो गए आजकल हमारे घर में। तो विंटर्स के हिसाब से मैं सोच रही हूँ उसमें एक थ्रो ब्लैंकेट डाल दूं। सो मैं सोच रही हूँ कि एक
ऐसे शॉल ब्लैंकेट वगैरह इस यहाँ पर डाल देना चाहिए क्योंकि अभी विंटर्स का टाइम है, हमेशा डालती हूँ मैं इस पे थ्रो बैंक ब्लैंकेट सब चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें मैं वाइट कर रही हूँ अभी लिविंग रूम में। तो ये वाइट कलर का मेरे पास एक शॉल रखा हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा एक थ्रो ब्लैंकेट लें बाज़ार से, इस तरीके का शॉल ले सकते हैं या फिर कोई भी आपके पास अच्छा सा सॉफ्ट सा फरी सा ब्लैंकेट हो या शॉल हो उसको आप कर सकते हैं एज अ थ्रो ब्लैंकेट। तो इसको मैं फोल्ड करके सोच रही हूँ यहाँ डाल दूँ, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कुछ DIY कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्लेन है, तो कुछ DIY करती हूँ और उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ पे डालूँगी, आई थिंक तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैंने क्या किया है कि ये शॉल के दोनों एंड्स को अच्छे से सिल लिया है सिलाई मशीन से, आप हाथ से भी सिल सकते हैं, तुरपन कर सकते हैं और ये फिर पक्का हो जाएगा, मतलब इसके रेशे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब जो मैंने टसल्स लिए ना वो इस तरीके से लिए हैं, गोल्डन और ब्लू, पिंक एंड वाइट। आप कोई से भी टसल्स ले सकते हैं, चाहे तो आप पॉम पॉम ले लें, बीच बीच में आप पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, मतलब उसको आप सिल लें तो उससे भी बहुत प्यारा लगता है। बट ये क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सा और प्लेन सा है तो काफ़ी गर्म भी है, ये देखने में तो बहुत पतला है बट काफ़ी गर्म है, तो बस इस तरीके से मैंने इसको लंबे लंबे टसल्स लगा लिए और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। Get this is looking fab. कोई बोलेगा कि ये बहुत पुराना सा शॉल है जिसको मैंने DIY किया है। सो लाइट्स और सब चीज़ों के साथ मैंने कोशिश तो की है कि न्यू ईयर के लिए पूरा घर मैं रेडी कर लूँ, वेल क्लीन्ड हो जाए घर, तो बस ऑल सेट टू गो। और देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर भी लग रहा है और जो मेरा पर्पस है वो भी सॉल्व हो रहा है, तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, तो एक तरीके से डेकोर पीस भी हो गया, एक यूनिक डेकोर पीस, और जो आपका पर्पस है यानी कि रेडिएशंस को ख़त्म करना घर में वो भी सॉल्व होगा। ये चारों तरफ से ऐसा है, देखिए यहाँ से ये है, इस तरफ से ऐसा है और ये इस तरफ से ऐसा है और पीछे की तरफ भी सेम ऐसा ही दिया हुआ है जैसा ये सामने दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ लेज़ी गार्डनर से लिया हुआ ये एक प्रोपोगेट करने वाला यूनिट। इसमें ना तीन ग्लासेस दिए हुए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से, और उसमें मैं मनी प्लांट लगा दूँगी। नहीं भी प्रोपोगेट करना है ना तो आप ऐसे भी इसको एज अ डेकोर पीस यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप लाइव प्लांट्स लगा लीजिए थोड़ा सा पानी डाल के, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी, और इसकी अगर आपको लिंक चाहिए ना तो नीचे दी हुई है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने TV के नीचे, क्योंकि वो खाली खाली लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वहाँ पर भी मैं ये पीस रख दूँगी। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा, जो ग्रीनरी भी ऐड करेगा और यूनिक है सबसे खास बात। और श्रिया देखिए, मैं श्रिया को कह रही हूँ कि श्रिया अगर तुम खाना नहीं खाओगी ना तो ऐसी हो जाओगी, ऐसी ऐसी ऐसी, क्या विचार है? मैं जब उसको पहली बार देखा तो एकदम से चौंक गई, यार ये कहाँ से आ गया, एलियन एलियन फ्रॉम जुपिटर है ना, प्यारा लग रहा है ना श्रिया? हाँ, उसकी आंखें अच्छी लग रही है मुझे। एलियन फ्रॉम जुपिटर, आज से इसका नाम एलियन फ्रॉम जुपिटर है। अभी मैं लेकर आई हूँ फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजर्स, ये भी मैंने ऑनलाइन ही लिए हैं कि बहुत जरूरत थी। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम तक हमें ठीक ना करना पड़े या फिर हमको बहुत ज़्यादा उसके पीछे मेहनत ना करना पड़े, है ना। अक्सर ये होता है कि सॉक्स वगैरह रखते हैं या फिर शर्ट्स जेंट्स लोग रखते हैं ना, और अपन उनके ऊपर छोड़ दो कि वो लोग निकाल के रोज़ पहन रहे हैं, तो वो लोग नीचे की कोई शर्ट निकालते हैं ना तो ऊपर की सब गड़बड़ हो जाती है, फिसल जाती है, ऊपर से सब गिर जाती है। तो ये वाला जो है ऑर्गेनाइजर, ये मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ क्या होगा, एक मिनट पहले मैं ये बता देती हूँ कि इसको कैसे करना है। इस टाइप से ना ये बॉक्स बन जाएगा और इसके ऊपर आप शर्ट्स रखते जाइए, एक के ऊपर एक पाइलअप कर दीजिए सारी शर्ट्स। जब कोई भी शर्ट यहाँ से खींच के हम निकालेंगे ना
तो ऊपर वाली शर्ट जो है हमारी खराब नहीं होगी। अभी मैं आपको अलमीरा में दिखा दूंगी कि कैसे मैंने उसको रखा हुआ है। तो ये एक और मैंने बुलाया, मेरे सूट्स वगैरह जो मैंने एक के ऊपर एक रखे हैं तो वो भी मैं इनको रख दूंगी इसी में, और जब भी कोई निकालेंगे ना तो ये ढेर गिरेगा नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा है, ऑर्गेनाइजर लगा। और एक मैंने श्रेया के लिए ये एक और लिया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजर आए हैं ना, वो जो आपने ब्लैक वाला देखा ये डिफरेंट है और वो डिफरेंट है। हाँ, ये वाला जो ब्लैक वाला देखा वो एक के साथ दो, मतलब दो का सेट आया। और ये वाले जो ऑर्गेनाइजर हैं ये मैंने श्रेया के चेस्ट ऑफ ड्रॉअर के लिए लिया है। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें इसके इनर वेयर हैं, रुमाल हैं, स्पेगेटी है, टॉप है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऐसे फोल्ड करो फिर जल्दी से जमाओ। अभी क्या होगा, ये ऑर्गेनाइजर रख दूँगी ना तो एक ही जगह पर सारी चीज़ें रहेंगी और फैलेंगी नहीं। आप ये ऑर्गेनाइजर्स तो ज़रूर खरीदें अगर आप चाहते हैं आपका घर हमेशा जमा रहे। तो ये तो ज़रूर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार आप खरीद लें हमेशा चलते हैं। ऐसे लंबे वाले आएंगे दो। ये जो स्क्वायर शेप का है उसका कलर देखिए कितना अच्छा है ना, बहुत ही न्यूट्रल सा, बहुत प्यारा सा कलर। इसके बीच में लगाने के लिए बोर्ड भी आएगा। हाँ, ताकि वो नीचे से वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, हाँ सॉफ्ट सा रहता है तो उसे अच्छे से बनता नहीं है ना। तो ये ऐसे ये लगा देंगे तो ये थोड़ा स्टर्डी हो जाएगा। हाँ, इस टाइप से बॉक्स बन जाएगा। इसमें बहुत सारे हम टी शर्ट्स श्रेया रखती है तो एक ऐसे ऐसे करके फाइल सिस्टम से लगा सकती है या फिर इनर वेयर रख सकती हूँ। हाँ, तो इसको तुम अपने इसमें रख लो। और एक छोटा वाला है, ये तो मैं बताना भूल गई, ऐसे दो छोटे वाले भी आएंगे है ना, सो क्यूट। इसमें आप सारे इनर वेयर रख दीजिए। तो ये दो आए, ये लंबा वाला दो आया और ये स्क्वायर वाला दो आया। एक पूरा सेट मैं सुनू को दे दूंगी, मतलब श्रेया को दे दूंगी, और एक जो है वो मैं अपने रूम में जो मैंने भी एक नया लिया है, ये वाला अब तो पापा की अलमारी में जाएगा क्योंकि वो बहुत शर्ट फैलती होंगी। तो ये वहाँ पे जमाते हैं और यहाँ पे जमाते हैं। 10 मिनट्स की डेली क्लीनिंग तो हो चुकी है, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, श्रेया ने अपना रूम ऑलरेडी जमा रखा है। तो बस अब मैं करूँगी ये इसको ऑर्गेनाइज। चेक जरूर करिएगा, आखिरी तक वीडियो को देखिएगा और बताइए अब कैसे जमाया हमने। चलो बेटा इसको जमा, मतलब हम बताएंगे कैसे जमाया, आप उसका वो बताएंगे क्या, आप रिव्यू दीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे रूम का जो नीचे का यूनिट, और इसको मैंने बहुत ही अच्छे से साफ़ किया और इसमें लगा दिए सारे ऑर्गेनाइजर्स, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जमी हुई दिख रही हैं। देख के ही मज़ा आ जाएगा, लगेगा ही नहीं कि कपड़े निकालने का मन नहीं करेगा। तो देखिए आप बताइए कैसा लगा आपको ये। तो गैस ठंडी हो गई है और लास्ट काम मेरा बचा है, यानी कि काउंटरटॉप क्लीन करना। तो बस उसे क्लीन कर लेते हैं और फिर फ्री। बस लास्ट एक जो शॉट है वो आप ज़रूर देखिएगा, जो कि है श्रेया के रूम का। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, एक क्वेश्चन अक्सर आप सभी पूछते हैं, यानी कि मेरी फ्रेंड्स, कि आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है ये सब काम करने के लिए। तो मैं जब भी ये सब काम करती हूँ ना तो कुछ भी सोचती नहीं हूँ, बस शुरू हो जाती हूँ। जब सोचती ही नहीं हूँ ना तो फिर टेंशन भी नहीं होती और आलस भी नहीं आता। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये पूरा चेस्ट ऑफ ड्रॉअर अच्छे से जमा दिया है, लेकिन इसको मैं आप लोगों को थोड़े दिनों में दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें दिखाने के लिए और बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। हाँ। तो ऑर्गेनाइजर्स की हेल्प से हमने बहुत अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया, और मैंने जो अभी तक जितनी भी आपको वार्डरोब दिखाई उसको भी मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। एक एक शॉट आपको दूंगी, लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछली भी कई वीडियोस हैं और आगे भी आएंगी आप लोगों को देखने के लिए। न्यू ईयर में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। यस, है ना। और ये जो कर्टन है, यहाँ पर जो आप कर्टन देख रहे हैं ना, ये कर्टन मैंने अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही लगाया है। बहुत ही अच्छा आया, तो इसका शॉट मैंने पहले ले लिया था। श्रेया बोल रही थी कि मम्मा आपने ये दिखाया ही नहीं कि मैंने नया कर्टन लगाया अपने रूम में, और उसको इससे मतलब एक कोजी फीलिंग भी आती है। हाँ, क्योंकि पिंक था, थोड़ा सा वाइट डाल दिया, चेंज हो गया। 9 फीट का मैंने लिया है, तो वो वाला जो शूट है वो मैं लास्ट में डालूंगी, आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। और उसके बाद ही जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, और एक ही बार सब्सक्राइब करना है। हाँ,
क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, हर बार वीडियो देखते हैं ना तो सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं, तो उसकी वजह से आप बाहर हो जाते हैं मेरे चैनल से। आपको एक ही बार सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है और उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन बेल है वो आप हिट करेंगे, सब्सक्राइब का बटन हिट करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब हो गया आपका सब्सक्राइब। ठीक है, तो श्रेया बाय बाय बोलते हैं अपन। हाँ, सो बाय बाय फ्रेंड्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी की मनोकामना पूरी हो और जल्दी जल्दी हम सारी ये जितनी भी बीमारियां फैल रही है, कोविड वगैरह, ये सब सबसे फ्री हो जाए, भगवान सब अच्छा कर दे नए साल में, है ना। तो आप सभी से मिलेंगे हम लोग अब नए साल में नई वीडियो के साथ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आएंगे आप सभी के लिए, तो ट्यून रहिए। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर। बताओ बताओ क्या मूड हो रहा है। हाँ, फॉर द टाइमिंग चेंज करके देखते हैं, बस तुमने बुलाया इनने किसी और रूम के लिए थे, इस रूम का बोल रही है कि पिंक थीम से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे तो लगता है कि थोड़ा कलरफुल भी हो जाए तो अच्छा ही लगता है वो। हाँ, और अभी ये जो कर्टन में ये मुझे इतना अच्छा लगा ना, और इसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इतना बढ़िया कपड़ा यार, मतलब मैंने पहली बार ऐसे पर्दा लिया जो ऑनलाइन, जो कि जिसका कपड़ा बहुत बढ़िया है और जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। सो ये लगने के बाद कैसा लगता है ये दिखाती हूँ मैं। अभी अभी कार्य जो कार्य है ना वो प्रगति पर है। ये बीच का ये जो छछुंदर एक लटक रहा है, इसको लटकना है। छछुंदर? ये छछुंदर नहीं है, उसके बाल है ना ऐसे हो गए हैं, वो पैरेट है। पैरेट पैरेट सिया की हरकतें देख देख के उसके बाल खड़े हो गए हैं। श्रेया, मैं इतनी अच्छी चीजें करती हूँ। और अभी मैं श्रेया की तरफ कैमरा नहीं घुमा सकती क्योंकि ये श्रेया जो है वो अभी आदिमानव वाले जमाने में है, अभी अभी ना के आई है, अभी रेडी नहीं हुई है। प्रीति, इसको एक क्लीन अप देना है, जरा सब साफ करना, साफ करना है, साफ करना है। ओके, दो मिनट। 4x9 है ये साइज इसका, और नीचे से इस तरीके से इसमें बॉर्डर दी हुई है। सो लाइट प्रॉपर आती रहे तो मैंने वाइट कर्टन ही मैं घर के लिए बुलाती हूँ ताकि वो अच्छे लगें। और ये केदार के मन के हिसाब से हो गया, मेरा तो मूड नहीं था यहाँ लगवाने का क्योंकि मेरे को अपने रूम में लगवाना था ऐसे। मुझे आप उतरने के लिए कुछ कूद पड़ो वहाँ से, तो ना हनुमान जी जैसे ही उड़ो, शक्तिमान बनो, शक्तिमान तीमान, देखिए ऊपर ही चढ़ जाओ ना यार। आधा काम तो मेरे से करवा लेते हो, ये क्या हो रहा है? तोता, उसकी वजह से बोल रहा हूँ। तोते को मैंने लटकवाया आखिर, मैं मानी नहीं।